गौभक्त गहलोत की। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गौ माता की सेवा में जुटे हैं और इसी कड़ी में दिवाली के दिन जहां उन्होंने हिंगोनिया गौशाला का दौरा किया, तो वहीं आज वे विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा गौधाम पहुंचे, जहां वे कामधेनु शक्तिपीठ के स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पहुंचने पर सीएम गहलोत का भव्य स्वागत किया गया। यहां गहलोत ने गौ माता की पूजा अर्चना की और संतों के शरण में काफी समय बिताया। गहलोत ने कहा कि संतों के आशीर्वाद से ही तीसरी बार सीएम बन पाया, तो गायों की सेवा करने की प्रेरणा गौधाम पथमेड़ा से मिली। यही कारण है कि गौवंश की सेवा करने के लिए प्रदेश में अलग से विभाग बनाया गया है। ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। गहलोत ने पथमेड़ा गौधाम के लिए 5 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। सीएम की इस घोषणा पर गौभक्तों ने आभार भी जताया। गहलोत ने कहा कि पहले 4 साल लगातार अकाल पड़ा था, तब भी सरकार ने हिम्मत नहीं हारी। गहलोत ने कहा कि गौशालाओं को 6 महीने की जगह 9 महीने अनुदान के लिए गौपालन विभाग काम कर रहा है और इस मौके पर कामधेनु सरोवर पर आरती भी की गई, जिसमें सीएम गहलोत समेत देश भर से आए साधु संत भी शामिल हुए। तो कामधेनु शक्तिपीठ स्थापना कार्यक्रम की ये 5 अहम तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पथमेड़ा गौशाला पहुंचे। पहुंचने के साथ ही सीएम का किस तरह से स्वागत किया गया, बड़ी तादाद में संत यहां पर मौजूद रहे, संत महात्माओं के शरण में पहुंचे मुख्यमंत्री, गौ माता की पूजा की, कामधेनु सरोवर पर उनकी मौजूदगी रही और यहां पर संबोधित भी किया आमजन को। अभी हाल ही में पथमेड़ा गौशाला के जो जितने गौशालाएं हैं उनको 12.5 करोड़ रुपये हमने बिजनेस किए और मैंने कहा कि जल्दी जो दूसरी छमाई है उसमें और हम लोग चाहेंगे कि 12.5 करोड़ रुपये मिले उनको। पर जो असली मांग है वो मांग तो अभी मुझे बता रहे थे कि 6 महीने के बजाय 9 महीने अनुदान मिलना चाहिए, 6 महीने के बजाय 9 महीने अनुदान मिले, ये बड़ा काम है। पर भाई जी खुद क्योंकि गोभक्त हैं, गौशाला चलाते हैं और जिस प्रकार से आज महंगाई का जमाना है जिसमें प्रति पशु छोटे पशु के लिए 16 रुपये बढ़ा के हमने 20 रुपये किए और बड़े पशु के लिए 32 रुपये 40 रुपये किए थे, मतलब 25 रुपये की वृद्धि करने का हमने जो तय किया उसके अंतर्गत। और ये जो मांग की गई है कि 6 महीने के बजाय 9 महीने अनुदान मिले, तो मैं चाहूँगा कि गोपालन विभाग जो है इसको पूरी तरह एग्जामिन करके तय करे कैसे संभव होगा 9 महीने देने का। वो काम भी कभी ना कभी पूरा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है।